माननीय रवि जी से आपको संबोधित करें। मित्र संजय मयूख जी, सभी पत्रकार मित्रों, आप सबों को नमस्ते। सुबह सुबह आपको हमने परेशान किया, इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन सनातन धर्म के ऊपर घमंडिया गठबंधन के लोग ऐसे ऐसे प्रहार कर रहे हैं और नए नए तरीके से कर रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर पार्टी का दृष्टिकोण बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। पहला सवाल सोनिया गांधी जी से है। सोनिया गांधी जी, पार्टी की ओर से आपसे पिछले कुछ दिनों में कई सवाल पूछे गए और पटना में मैंने एक राष्ट्रीय स्तर की प्रेस की थी और विस्तार से पूछा था आप खामोश क्यों हैं, रोज अपमान हो रहा है भारत की विरासत का, भारत की संस्कृति का, सनातन धर्म का, आप खामोश हैं। और राहुल गांधी प्रियंका से भी पूछा था, प्रियंका जी से भी पूछा था, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज जो डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पवन मुडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग, जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। आज हम बीजेपी की ओर से कुछ बड़े सवाल रखना चाहते हैं। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है और इनका हिडन और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खड़गे जी ने भी सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्माननीय अध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है, इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। थोड़ा मैं रिकाउंट करता हूं और ये बात देश के वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। थोड़ा मैं रिकाउंट करता हूं और ये बात देश में आपके माध्यम से जाएगी तो बड़ी कृपा होगी। लालू जी के पार्टी के अध्यक्ष जगता बाबू बिहार में क्या कहते हैं, जो टीका लगाता है उन्होंने देश को गुलाम बनाया। मात्र चार पांच दिन पहले लालू जी गए थे मुंबई और सिद्धिविनायक मंदिर में अपने पुत्र तेजस्वी जी के साथ मत्था टेका, टीका भी लगाया। कल वो महान ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम गए थे, वहां बड़ा सा टीका लगा के निकले। फिर भी ना लालू जी ने विरोध किया कि यह गलत है, ना कांग्रेस पार्टी ने किया। रामचरितमानस का खुला विरोध उनके बड़े शिक्षित शिक्षा मंत्री ने किया। लालू जी ने विरोध किया क्या?
सोनिया गांधी ने कुछ कहा क्या? अखिलेश यादव भी पार्टी इस गठबंधन का अलायंस है, उनके मौर्या साहब दिन रात सनातन और रामायण पर भद्दी भद्दी गालियां कहते हैं, कभी उन्होंने कहा इसे मना करो, ये ठीक नहीं है? दिग्विजय सिंह ने भी बहुत टॉन्ट कसा है, कभी उनको कहा गया? अभी जरा मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब, मैं ये सारा संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कन्फर्म करती है कि सनातन विरोध तथाकथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। उद्धव ठाकरे ने क्या कह दिया? अगर प्रभुराम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इतनी शर्मिंदगी भरी बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में देश में एक नई ऊंचाई और साहस का परिचय दिखाया, उनके पुत्र कह रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत पीड़ादायक है। देखिए सवाल सोच का है, सवाल सोच का है। आजकल कुछ लोग अपने वेद के ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या नाम लूं छोड़ दीजिए, लेकिन भारत के वेद का एक ऋग्वेद है सबसे प्रमुख, उसकी एक सूक्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो सनातन को स्पष्ट करती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन, वाइज मैन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। आपके सत्य का ये मार्ग है, आप उस पर चलो, मेरे सत्य का ये मार्ग है, मैं आप पर चलूंगा, तो मेरे मार्ग का सम्मान करो, मैं तुम्हारे मार्ग का सम्मान करूंगा, क्योंकि तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य एक ही स्थान पर पहुंचता है जहां पर रहते हैं परम सत्य, इटर्नल पेरिनियल इंडिविजुअल। यही तो है सनातन, आपके जो भी विचार है करो, लेकिन बाकी सब पर खामोशी और सनातन का खुला शर्म बेशर्मी भरा निकृष्ट अमर्यादित, क्या मैं कहा आलोचना, तो कहना भी आलोचना को शर्मिंदा करना होगा, यह बहुत पीड़ादायक है। इसलिए फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है, आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है, और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, योर साइलेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल एज टू व्हाट इज बीइंग सेड। सोनिया जी, वोट के लिए कहां तक जाएंगे आप? कब तक जाएंगे आप? तीन तलाक का विरोध किया आप लोगों ने, राम मंदिर के सुनवाई में आपके लोग अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे थे, घूमती हैं आप भी बाकी लोग, कभी राम मंदिर का दर्शन करने की इच्छा आपके मन में हुई क्या? नहीं हुई ना। एक भी कांग्रेस का बड़ा नेता एक भी अभी तक राम जन्मभूमि में दर्शन करने नहीं गया, मैं बड़े नेता की बात कर रहा हूं। तो वोट बैंक के लिए सनातन का अपमान क्यों? आई रिपीट मैडम सोनिया जी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स, दिस शेमफुल डेनिग्रेशन ऑफ सनातन, वाई? हमें गर्व है सनातन की परंपरा पर, और जो एक बात मैंने पहले कही थी मैं दोबारा देश को बताना चाहूंगा कि सनातन में आप किसी समुदाय में पैदा हो, किसी जाति में पैदा हो, किसी वर्ग में पैदा हो, अपने तप संकल्प से आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सबरी मां तो भिलनी थी ना,
आज उसका भी मंदिर बन रहा है, जूठे बेर खिलाए थे, क्योंकि राम को मालूम था इसमें रामत्व है। ये हमारे केवट राजा, निषाद राजा, जिन्होंने पार कराया, प्रभु राम ने क्या कहा था, मैं लौटूंगा श्रीलंका से तो तुम्हारे घर एक दिन रहूंगा अयोध्या जाने के पहले। आज उनका भी मंदिर बन रहा है। संत रविदास क्या थे, सबसे जो उपेक्षित परिवार से, जूता सिलने का काम करते थे, लेकिन अपनी प्रार्थना तपस्या से इतने बड़े संत बन गए कि आज बड़े बड़े सन्यासी उनको प्रणाम करने आते थे। और आज मोदी जी ने उनका बहुत भव्य मंदिर बनवाया है काशी में, और नया सागर में बनने जा रहा है। इस देश के कोने कोने में आप देखेंगे कि गरीब से गरीब, उपेक्षित परिवारों के लोग अपनी साधना से सनातन की ऊंचाई प्राप्त करते हैं। यही है भारत। मित्रों, एक सवाल है सोनिया जी, भाजपा की ओर से हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं, आपके गठबंधन के बारे में हम, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अब तो इसको हम गांव गांव पहुंचाएंगे। अच्छा है सोनिया जी, आपने एजेंडा सेट कर दिया है अपने मित्रों और चेलों के साथ, स्वागत है आपका। विकास भी बात करेंगे, विरासत की भी बात करेंगे, और विरासत में सनातन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी भी चर्चा करेंगे। मित्रों, मैंने सोच की बात कही थी, कभी आपने कोणार्क के मंदिर के चक्र का इतना बड़ा गुणगान देखा था कि भारत की वैज्ञानिक, खगोलीय, वास्तुविद, ज्योतिष परंपरा पर दुनिया भी आश्चर्यचकित हो गई। आज भी वो सूरज के सातवें घोड़े के साथ वो चक्र समय बताता है जो 1200 साल पहले हुआ था राजेंद्र सिंह के शासनकाल में। और जो मेरा क्षेत्र है उसी के बगल में नालंदा यूनिवर्सिटी के रुइंस है, महामहिम राष्ट्रपति जी के भोजन में उसको लगाया गया था कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या थी। हाँ? और क्या ट्रेजेडी है कि जिस बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया और 6 महीने तक जलता रहा, इतने ग्रंथ थे लाखों वहां पर, और बड़ी संख्या में दुनिया भर के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे, वो 6 महीने जलता रहा, और उसका हमला करने वाला बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर है, क्योंकि उसका नाम बदलने में नीतीश बाबू का समर्थन जरूरी है, तो वोट बैंक के लिए वो भी नहीं करेंगे। लेकिन गर्व है हमें हमारे प्रधानमंत्री पर और महामहिम राष्ट्रपति जी पर, कि दुनिया के लोग आए और प्रेसिडेंट बिडेन को उन्होंने बताया दिस इज द इंटेलेक्चुअल नॉलेज परंपरा ऑफ सनातन। हा? मित्रों, बाकी तो बहुत लोग करते हैं, विवादास्पद बयान करते हैं, विरोध करते हैं, उसकी बात तो मैं क्या कहूं, लेकिन सनातन के बारे में एक बात कहना पड़ेगा। मैं सोमनाथ मंदिर का जिक्र किए बिना नहीं रुकूंगा, थोड़ा आजकल इतिहास को गंभीरता से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश। कांग्रेस के इशारे पर वामपंथी इतिहासकारों ने क्या कहा कि सोमनाथ मंदिर को गजनी लूटने के लिए गया था क्योंकि वहां सोना बहुत था। मैं अभिनंदन करूंगा विक्रम जी और अन्य कई युवा इतिहासकारों का, जिन्होंने एविडेंस के बिना पर ये साबित कर दिया कि मोहम्मद गजनी के जो इतिहासकार साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये तो बुत परस्ती को समाप्त करने के लिए आए थे, उन्हें उनको बकायदे कोट किया है। और जब वो अंदर गए तो पंडितों ने कहा 50,000 हिंदू मारे गए थे लड़ते हुए, तो पंडितों ने कहा कि आप ले जाइए लेकिन हमारे महादेव को छोड़ दीजिए। कहा तुम्हारा पैसा लेने में नहीं आया हूं,
हमें इसे तोड़ना है और गजनी की मंदिरों में बिछाना है। ये सारी बातें मोहम्मद गजनी के इतिहासकार ने लिखा है और सब कुछ छुपाया गया। और गर्व है सरदार पटेल, कन्हैयालाल मुंशी और स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पर, उन्होंने हिम्मत करके उस मंदिर को पुनरुत्थान करवाया और राजेंद्र बाबू वहां गए नेहरू जी के विरोध के बावजूद। जरा सोनिया जी, ये भी अतीत आपको मुझे याद दिलाना जरूरी है। लेकिन सोनिया जी, एक बात आप ध्यान रखिए, उस समय हम छोटी पार्टी थे, अब हम बहुत बड़ी पार्टी है, देश पर शासन करते हैं और हिंदुस्तान में सनातन प्रेमी, हिंदू आस्था के सम्मान करने वाले आज बड़ी संख्या बुलंदी से खड़े हैं। कुछ आप जवाब देंगे कि खामोश रहेंगे? जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही देश को स्पष्ट होगा कि सनातन का विरोध आपके गठबंधन के एजेंडा का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सीएमपी। इसलिए क्या नीतीश कुमार, क्या लालू प्रसाद, क्या सोनिया जी, क्या खड़गे जी, क्या प्रियंका जी, और राहुल गांधी तो बहुत ज्ञानी है, तो उनके बारे में क्या कहूं, ये सब खामोश हैं। एक की हिम्मत नहीं है कि खुलकर बोले। अंतिम बात मुझे यही कहनी है कि कल शायद गठबंधन की बैठक है ना, बताया गया है अखबारों में है, अब होगी कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। तो द बीजेपी विल अर्ज दिस सो कॉल्ड सेल्फिश अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस टू कम विथ ए कैटेगोरिकल रेजोल्यूशन दैट वी कंप्लीटली डिसोसिएट आवर सेल्फ एंड दिस इज नॉट आवर एजेंडा। ठीक है, धन्यवाद। अब आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए। नीरज पांडे, एबीपी। अच्छा, पहले उस सब बोलूंगा, अभी मैं इस पर, यह महत्वपूर्ण विषय है। रविकांत, तो ये विषय नीचे तक पहुंच गया है और सख्ती से और गंभीरता से और आक्रोश के साथ नीचे पहुंचाएंगे। और एक एक जनता से कहीं से इनसे सवाल करो, ये भाषण देने आए तो होगा, ये बनाएंगे इसको। और एक बात और जान लीजिए, और ये बात मैं बड़ी विनम्रता से लेकिन बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सैकड़ों वर्षों के इस्लामिक और मुगल काल में तो सनातन की जड़ें कमजोर हो नहीं पाई, सैकड़ों साल के अंग्रेजों के शासनकाल में तो सनातन की मजबूत नींव हिल नहीं सकी। ये लोग क्या है, क्या कर पाएंगे? लेकिन हाँ, वोट के लिए कहां तक जाते हैं ये हम देश को बताएंगे और विरोध करेंगे। यतीन्द्र टीवी, यतीन। अब इसका जवाब आप बिहार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछे, और बिहार में भाजपा की योग प्रवक्ताओं की टीम है, अच्छी बात है, चलने दीजिए कंपटीशन। कांग्रेस की वो विधायक है तो कांग्रेस के नेता जवाब देना। शैलेंद्र, अपेक्षा किया है, करना तो उनको है। और अब तो हम बार बार कहेंगे घमंडिया गठबंधन घमंडिया स्वभाव से है और भारत को बदनाम करने की ठेकेदारी उन्होंने ले रखी है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। भारत वही होगा जो हम सोचेंगे, हाँ, तो बिल्कुल सही नाम दिया गया है। और अपने आचरण से वो रोज इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि उनके अंदर अहंकार की पराकाष्ठा है। विकास भदौरिया, एबीपी। देखिए, एक कानून के जानकार के रूप में मुझे मेरी सीमाएं हैं, लेकिन एक कानून के छात्र के रूप में मेरा प्रामाणिकता से मानना है भड़काऊ भाषण है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कई मामलों में नोटिस लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में एक समरूप दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। यही तो सनातन का भी एसेंस है ना। आमोद राय, TV9। ऐसा है, पार्लियामेंट का सारा विषय माननीय स्पीकर साहब के क्षेत्राधिकार में आता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। विकास चंद्रा। सर, मेरा सवाल ये है कि पहले राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी और संघ पर आरोप लगे, अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, तो क्या इस वजह से कि अब राम मंदिर पे आप लोगों को नहीं देख पाते हैं, सनातन कहेंगे शुरू हो गए हैं? अभी आप उनसे पूछिए ना। लेकिन अगर हमको घेरने के लिए ऐसा करते हैं तो आज आपके इस सवाल के जवाब में मैं इस गठबंधन के मित्रों को एक ही बात कहना चाहता हूं, जो मैंने एक बार संसद में राहुल गांधी को कही थी और आज कहना जरूरी है, कि आपके पिताजी, आपकी दादी जी, आपके परनाना जी संघ की खूब आलोचना करते थे, बाकी आपके प्रदेश के नेता करते थे, और वामपंथी चाहे डांगे साहब हो या नंबूदरी पाद साहब हो या उनके बाकी प्रकाश करत हो या बाकी नेता हो जो अभी के उनके नेता हैं, वो तो इसकी आलोचना करते ही रहते थे ज्योति बसु से लेकर के। सोनिया जी, आप देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए। हम सनातनी प्रेमी लोग, हिंदू आस्था का सम्मान करने वाले लोग और संघ के प्रति आदर का भाव रखने वाले लोग, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए और आप कहां हैं। और आजकल तो दूरबीन लेकर वामपंथियों को लोकसभा में खोजने की जरूरत पड़ती है, ये भी सच्चाई है। और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये कुछ नहीं, आप पूछ नहीं, 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 नहीं। ऐसा है, वो ये कह रहे हैं, ममता जी के समर्थक कह रहे हैं कि वो पीएम बनने की क्षमता रखते हैं, शिवसेना वाले कहते हैं कि उद्धव ठाकरे में भी क्षमता है, तो अभी तो क्षमता का प्रोपेगेंडा चल रहा है, चलने दीजिए। और मैंने एक सवाल इसी मंच से कहा था कि बारात तो सज रही, दूल्हा कौन है, तो शायद सनातन की एक ये भी परंपरा है, बिना दूल्हे के बारात नहीं जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।